गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह सुरक्षित हैं। तो आज फिर हम हाजिर हैं आपके सामने पहेलियां लेकर, ठीक है। कल हमने पहेलियां जो आपको बताई थी उनका आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आप ऐसे ही आज की पहेलियों का आंसर भी दें, ओके। तो शुरू करते हैं हमारी पहली पहेली। पहेली क्या है? अगर नाक पर मैं चढ़ जाऊं, अगर नाक पर मैं चढ़ जाऊं, कान पकड़कर तुम्हें पढ़ाऊं, ठीक है, कान पकड़कर तुम्हें पढ़ाऊं और दूर की वस्तु पास दिखाऊं, बतलाओ मैं क्या कहलाऊं, ठीक है। आपने इसका आंसर देना है और पहेली को मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अब ध्यान से सुने। अगर कान पर मैं चढ़ जाऊं, यानी कि अगर कान पर मैं चढ़ जाऊं तो क्या कहते हैं, मैं कान पकड़कर तुम्हें पढ़ाऊं, यानी कि फिर तुम्हारे कानों को पकड़कर मैं तुम्हें पढ़ाती हूं, और दूर की वस्तु पास दिखाऊं, और जो दूर की वस्तु है उसको बिल्कुल नजदीक लेकर आती है वह, और बतलाओ मैं क्या कहलाऊं, और वह आपको उसका नाम बताना है कि वो कौन सी वस्तु है। ऐसी क्लियर है, ओके। सेकंड जो हमारी पहेली है वो है दुनिया भर की करता सैर, यानी कि पूरी दुनिया की मैं सैर करता हूं और धरती पर ना रखता पैर, और धरती पर मैं अपने पांव को कभी नहीं रखता, और पूरी दुनिया की मैं सैर करता हूं लेकिन दिन में सोऊं रात को जागूं। अब आप क्या करते हैं कि आप रात को सोते हैं और दिन में जागते हैं, लेकिन ये इसके विपरीत काम कर रहा है। क्या कहता है वो कि दिन में सोऊं, ये दिन में सोता है और रात को जागूं, और रात को जागता है, सूरज आते ही मैं भागूं, और जैसे ही सूर्य आता है उसके आने पर यह है छुमंतर हो जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है उसका नाम क्या है। तो ये आज के लिए आपकी दो पहेलियां, दोनों के आंसर कल की तरह कमेंट बॉक्स में डालें, और अगले वीडियो मिलते हैं हम अगली पहेलियां लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।